हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि। मेरे चैनल लर्निंग बीट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वर्कशीट लेके आई हूं, या फिर कह सकते हैं कि जो मैं कंसेप्ट लेके आई हूं, ही शी और इट का, वो क्लास वन के लिए है। यूकेजी के लिए भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं पर ये यूकेजी में सिखा देते हैं या फिर क्लास वन या क्लास टू में सिखाया जाता है। तो ही शी और इट का यूज बच्चों को कैसे करना है और हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं इजिली, तो इसके लिए एक मैं छोटा सा, ये मेरा वीडियो है और विथ वर्कशीट है। आप ये वीडियो एंड तक देखिए जिससे कि आप बच्चों को आसानी से सिखा पाएं और वर्कशीट के हेल्प से आप उन्हें इसको आसानी से उसकी आप एक्सरसाइज भी करवा पाएं। तो देखते हैं ही का यूज कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ही का यूज, हमें बच्चों को ये बताना है कि ही का यूज हम जब भी किसी बॉय की बात होगी, कोई भी बॉय हो, बॉयज या फिर मैन, तो हम ही का यूज करेंगे। अब बॉयज और मैन में क्या क्या आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया फादर, मदर, सॉरी फादर, ब्रदर, जो भी बॉयज हैं या फिर जो भी मैन हैं, अंकल या फिर सन, तो इन सब के लिए हम ही का यूज करेंगे। अब शी का यूज हम कब करेंगे, शी का यूज हम सभी गर्ल्स के लिए या फिर विमेन के लिए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें मदर, जब भी हम मदर की बात करेंगे या फिर सिस्टर की बात करेंगे या फिर डॉटर की बात करेंगे या फिर आंट की बात करेंगे, तब हम शी का यूज करेंगे। अब आता है इट। अब इट का यूज हम कब करेंगे, तो इट का यूज हम करेंगे एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए, एंड प्लेसेस के लिए। ये तो आपने बच्चों को समझा दिया, लेकिन जब तक बच्चे करके नहीं देखेंगे, एक्सरसाइज करके नहीं देखेंगे, ये बच्चे भूल जाएंगे। तो हम बच्चों को एक्सरसाइज किस तरह से करा सकते हैं जो बच्चों को अच्छी लगे। देखिए, ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है ही शी एंड इट के लिए। ये कुछ हाउसेज हैं, ये ही हाउस है, ये शी हाउस है एंड ये इट हाउस है। इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स बना दी है जिससे बच्चों को याद रहे, जैसे ही हाउस में कौन कौन आएगा, शी हाउस में कौन कौन आएगा और इट हाउस में कौन कौन आएगा। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये बच्चों को एक एक पिक करना है और उसको इन होम्स में उसके अकॉर्डिंग रखना है। जैसे कि सबसे पहले है ताजमहल। अब बच्चों को हम पूछेंगे ताजमहल क्या है, ताजमहल एक प्लेस है, तो प्लेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का। तो इट मीन्स ताजमहल को हमें इट हाउस में लिखना है। तो बच्चे, ये आप बच्चों को क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं इसके लिए, तो बच्चे इसमें ताजमहल इट हाउस में लिख देंगे। देन प्रिया, प्रिया इज अ गर्ल, दैट्स व्हाई शी विल कम इन शी हाउस, तो प्रिया शी हाउस में आ गई। देन रिंकू, रिंकू इज अ बॉय, तो ये ही हाउस में आ गया। एलिफेंट, एलिफेंट इज एन एनिमल, तो एलिफेंट को हम इट हाउस में रख देंगे। उसके बाद रैबिट, रैबिट इज ऑल्सो एन एनिमल, ये भी इट हाउस में आ जाएगा। देन टॉयज, टॉयज जो होते हैं वो थिंग्स होते हैं, तो टॉयज इट में आ गए। देन मदर, मदर को हम शी हाउस में लिखेंगे। फादर इज इन ही हाउस, आंट इज इन, क्योंकि आंट एक गर्ल है या फिर एक विमेन है, इसलिए वो शी हाउस में आएंगी। स्कूल एक प्लेस है, इसलिए स्कूल इट हाउस में आएगा। देन हॉस्पिटल इज ऑल्सो एन प्लेस, तो हॉस्पिटल इज विल कम इन इट हाउस। तो इस तरह से बच्चों को इसमें इसको रखना है। तो ये एक वर्कशीट हो गई, इसको बच्चे कलर भी कर सकते हैं क्रेयॉन्स से अगर बच्चे चाहें तो। तो इससे क्या होगा, इस तरह की वर्कशीट से जब आप बच्चों को कलर करने के लिए देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से और बहुत ही इजी वे में ये सब करेंगे और बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो बच्चों को इसमें
इस हाउस में कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, एक वर्कशीट और है। सी, इसमें क्या करना है, राधिका इज वेरी हैप्पी। इसमें कुछ ये सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग बच्चों को ही, शी या इट को सर्किल करना है। जैसे कि राधिका इज वेरी हैप्पी, राधिका इज वेरी हैप्पी, यहां पर क्या आएगा, ही आएगा, शी आएगा या फिर इट आएगा। तो राधिका इज ए अ गर्ल, इसलिए यहां पर शी आएगा। राधिका इज वेरी हैप्पी, शी वन द प्राइज। बच्चे इसमें सर्किल करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। अंकित वेंट टू अ शॉप, देन डैश ही बॉट कैंडल्स एंड केक फॉर हिज बर्थडे। तो अंकित इज अ बॉय, तो यहां पर ही को बच्चा सर्किल करेगा और ही यहां पर फिल कर देगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस दे सकते हैं बच्चों को अपने मन से। तो बच्चे इस तरह के जब एक्टिविटीज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही बच्चे से आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।